नमस्कार मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सही होंगे, हम भी सही हैं। और आज का मेरा रूट है बाबू शाह मंदिर जाने का चूरू में, और मैं चूरू में अपने होटल से निकल के अभी आज रास्ते में हूँ। जो रास्ते में चौराहे पे लाल घंटा घर पड़ेगा, लाल घंटे के घर पे फिर वहाँ से हम पैदल निकलेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से मेरे होटल, यहाँ से ये आपका लाल घंटा घर चौराहा है। और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं सब्जी की, ये सब्जी है आपकी जो लोबिया बोलते हैं हमारे यहाँ, छोटी छोटी लोबिया वहाँ पर होती है और मिर्चे बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये वहाँ पे चौराहे पे ही नमक है, सिंधा नमक और काला नमक। ये नमक देख के लगा मुझे कि पत्थर है कुछ, लेकिन ये पत्थर नहीं है, ये नमक है, सेंधा नमक इसको बोलते हैं। और काला नमक, ये जो काले पत्थर की तरह दिख रहे हैं ये काला नमक है। तो मैं पहली बार देखा तो मुझे पहचान में नहीं आया, लेकिन वहाँ पे बेचने वाले भाई साहब ने बताया कि सेंधा नमक है, 40 रुपये किलो है इसका रेट। और उसके आगे बढ़ते हैं तो ये आपको दिखेगा धर्मशाला टाइप का कुछ है, और इधर कुछ छोटा मोटा रेगिस्तान बालू, यहाँ पे रेगिस्तान बालू नहीं, बालू और मिट्टी का मिश्रण है यहाँ पे, तो वो पीली मिट्टी वहाँ पे कह सकते हैं, पीली मिट्टी है वहाँ पे। और ये थोड़ा सा नज़ारा देखो मिला मेरे को रास्ते में बाबू शाह मंदिर जाते हुए, और ये रहा रूट बाबू शाह मंदिर का। बाबू शाह मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं, वहाँ से मूर्ति आपको दिख रही है दूर, यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं। और बाबू शाह मंदिर के गेट पे हम लोग आ गए हैं, बस एंट्री करने वाले हैं, रोड क्रॉस करना है, देख के गाड़ी काम काम। चलिए चलते हैं, रोड क्रॉस कर लिया। और ये मंदिर रहा आपका